गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट, है ना। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सॉयल इरोजन, आज हम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सॉयल इरोजन कराएंगे और एक और टॉपिक कराएंगे सॉयल कंजर्वेशन। तो सबसे पहले हम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ देखते हैं कंजर्वेशन इरोजन के, कि इसके क्या होते हैं नुकसान, है ना। देखिए, हमारे जो नेशनल कमेटी हैं उनके थ्रू मतलब ये इफ़ेक्ट्स बताया गया है कि अगर बहुत टाइम तक पानी जो है मतलब ना रहे ज़मीन पे, ड्राई रहता हमारी जो ज़मीन है, तो वो क्या होता है वहाँ पे वेजिटेशन का लॉस होता है। यानी वेजिटेशन मींस जो वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, ये सब का लॉस होता है, क्योंकि वो पानी की कमी के कारण सूखने लगती है, इस तरह से लॉस होता है। तो ये हमारे लिए क्या हो, एक नुकसान हुआ कि हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो सब सूख रहे हैं। अब इसके कारण क्या होता है, जब पेड़ पानी नहीं है तब और क्या प्रॉब्लम होती है। एडवर्स इफेक्ट ऑन द सोर्सेस ऑफ वाटर एंड प्रॉब्लम ऑफ एरिस, इससे क्या हमको कि जो सोर्स ऑफ वाटर है वो उसकी कमी होने लगती है, और जब सोर्स ऑफ वाटर की कमी होती है तो और दूसरी प्रॉब्लम क्या आ जाती है, सिंचाई। यानी कि हमारे पास जब पानी नहीं है तो हम सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक कारण है, हमारे फार्मिंग के लिए भी दिक्कत खड़ी करती है। द नेक्स्ट क्या है कि अगर कोई मतलब पानी बहुत देर तक कहीं जमा है किसी प्लेस पे, कोई उपजाऊ मिट्टी है उस पर अगर बहुत देर तक पानी रहता है तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि हम वहाँ कुछ नहीं कर पाते हैं और धीरे धीरे वहाँ की मिट्टी की जो उर्वरता होती है वो ख़राब हो जाती है। ये भी इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है। यानी कि ये किस तरह से, अब आपको लग रहा होगा कि अगर वहाँ पर पानी सूख गया तो भी नुकसानदायक, पानी बहुत देर तक है तो भी नुकसानदायक, पानी जबकि फ़ायदा होता है तो ये कैसे नुकसान है। तो इसका रीज़न ये कि मान लो अगर आपने कोई, आपके पास पेपर है मोटा गत्ता अच्छा से कार्टून है कोई, उस पर रोज़ पानी टपकता है ना, तो एक दिन वहाँ पे क्या हो जाएगा, उस जगह पे वो गत्ता जो है गीले होने के कारण सीधे धीरे धीरे क्या होता जाएगा, ख़राब होता रहेगा। एक आध बार आप मान लो सुखा भी लोगे, लेकिन ऐसे बार बार कितने दिन तक, अगर बार बार रोज़ डेली का वो काम बन जाए तो क्या होगा, मतलब ये होगा कि वो गत्ता अब ख़राब हो गए। तो ठीक इस तरह हमारे लैंड पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, अगर पानी बहुत देर तक यानी कंटिन्यू से फ्लड आता है, बाढ़ आता है, तो उस समय क्या होता है, पानी बहुत देर तक ठहर जाता है उस प्लेस पर, तो उस प्लेस पर ठहरने के कारण वो जो जगह होती है वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। और जैसे कि एक और है, जब पानी बहुत देर तक ज़मीन जो है सूख होने के कारण क्या होता है, नीचे की मिट्टी जो होती है ऊपर आने लगती है, यानी कि नीचे की जो सॉल्टी एरिया है वो ऊपर आने लगता है। जब ऊपर आता है तो क्या होता है, ये ज़मीन जो है इसकी भी फर्टिलिटी ख़राब हो जाती है। ऊपर हमने कई बार देखा हो कि जब ज़मीन है सूखने के कारण वहाँ पे वाइट वाइट सी हो जाती है ना, सफ़ेद सफ़ेद सी, ये इसी कारण होता है कि नीचे की ज़मीनें जो होती है ऊपर आने लगती है और सफ़ेद सफ़ेद एक लेवल, इसको सॉल्टी कहेंगे हम, कहेंगे कि नमकीन जिसको कहते हैं ना, कहते हैं ना खारा पानी, नीचे पानी जो है खारा आने लगे या कुछ चीज़ है, तो इसी रीज़न से है कि जब पानी उसमें बहुत देर तक नहीं रहता नीचे की चीज़ें ऊपर आने लगती हैं और ऊपर के एरिया जो है जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो सब ख़राब होने लगती है। और इसका जो मुख्य जो लक्षण होते हैं वो क्या होता है, वाइट पड़ जाना, यानी मिट्टी का सफ़ेद होना भी एक तरह से हमको समझ में आता है कि यहाँ का जो है ये अब फर्टिलिटी यहाँ की ख़राब हो रही। तो ये थे इसके, तो इससे क्या हमारे एग्रीकल्चर क्या होता है कम होने लगते, रिडक्शन होने लगते हमारे, जब ही इससे मेन तो यहाँ पे प्रॉब्लम पानी की है और पानी नहीं है तो यहाँ पे फसल भी हमारे कम होने लगेगा, है ना, धीरे धीरे इसका भी हो सकता है एंड हो जाए अगर कोई सोल्यूशन ना मिला तो, है ना। तो ये थी इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। अब हम चलते हैं सॉयल कंजर्वेशन में। सॉयल कंजर्वेशन में हम कुछ ड्रॉइंग के थ्रू भी पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं काउंटर्स। काउंटरिंग कैसे हम इस प्लानिंग के थ्रू क्या करते हैं, काउंटरिंग प्लानिंग के थ्रू मान लो कोई हमारे पास, जैसे पहाड़ी एरिया का एग्जांपल है कि जो लोग पहाड़ों पे होते हैं वहीं पे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पे किस तरह से वो लोग बेचारे खेती करें, है ना, कि हमारे जो किसान हैं कि वो पहले इतनी सारी दिक्कतें झेल चुके कि हमारी जो मिट्टी के कटाव के कारण हमारी जो खेती है नुकसान होती है, कैसे इसको किया जाए, आपको पिछले पहले बताया था कि किस तरह उनको दिक्कतें आती हैं फार्मिंग में। तो यहाँ पे जो हमारे जो पहाड़ के किसान, पहाड़ में रहने वाले किसान हैं वो क्या सोचते हैं कि जब हमारी मिट्टी के जो पहाड़ में जितनी भी हम खेती करते हैं वो क्या होता है, ख़राब होता जाता है। तो उन्होंने सोचा मतलब कि अब उन्होंने अपना जो खेती करने का तरीका है उसको चेंज कर दिया। पहले गलत तरीका उनको समझ में नहीं आता था, वो खेती करते थे और उसका बारिश होती थी तो वहाँ की सारी मिट्टी कट कट के नीचे चली जाती थी,
और इससे उनका जो उपजाऊ चीज़ें हैं वो ऊपर से नीचे चली जाती थी और वो खेती ऊपर करते उनको समझ मतलब कि ये चीज़ तरह के उनको खेती भी नहीं होती थी। तो उनके दिमाग पे पहला आया कॉन्टियर प्लानिंग, वो किस तरह से अच्छी खेती कर सकते हैं कॉन्टियर प्लानिंग के थ्रू। और वो कॉन्टियर प्लानिंग क्या होती है, जैसे ये पहाड़ है, पहाड़ कैसा होता है, एक सर्कल टाइप का मतलब इस तरह से घेरा होता है ना। तो ये हमारा स्लोप एरिया कहाँ है, यहाँ ये स्लोपिंग एरिया कहलाता है। तो यहाँ खेती पहले करते थे ना, खेती ना करके यहाँ इन्होंने यहाँ खेती करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इससे मतलब कुछ हद तक उनको स्लोप में क्या होता है, डायरेक्ट सीधे नीचे चला जाता है, यहाँ पे क्या है रुकने की क्षमता रहती है, क्योंकि ये स्लोप एरिया थोड़ा पहाड़ है तो होता है, लेकिन थोड़ा सा इस तरह भी वहाँ जो ज़मीनें मिलती है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ खेती किया जा सकता है किसानों को, और इस तरह से वो करते भी हैं। सेकेंड हमारी क्या है, कुछ मैथड है, मतलब ये सारी मैथड हैं टेरेस प्लानिंग के थ्रू है ना। अब टेरेस प्लानिंग के थ्रू कैसे किया जा सकता है, इसका मतलब होता है सीढ़ीनुमा, है ना, सीढ़ीनुमा खेती। इसके लिए जो हमारा ये पहाड़ था, है ना, इस तरह पहाड़ होता है ना मान लो जैसे, तो हम इसमें किसानों ने क्या किया, इसको इस तरह से सीढ़ियों में चेंज कर दिया, यानी कि पहाड़ जो इस तरह हुआ करता था उसको काट काट के, उसको काटिंग करके एक सीढ़ी की तरह बना दिया गया। और इसके इस जो ऐसे होता था, है ना, टेढ़ा नहीं ऐसे, है ना, तो इस जगह पे खेती करना शुरू कर दिए, यानी कि उस पहाड़ जो स्लोप एरिया था उस स्लोप एरिया की कटिंग कर दिए, उसको बराबर कर दिए, और एक तरह से वो देखने में सीढ़ी जैसा हो गया कि यहाँ पे स्पेस की जहाँ जहाँ उनको मिलता गया वहाँ पे काटते गए पहाड़ को और वहाँ बराबर करते गए। इससे क्या हुआ कि ये जो बारिश होती थी तो उसका पानी यहाँ से जो यहाँ की उपजाऊ मिट्टी है सीधे यहाँ ना आके यहाँ रुक जाता है, ठीक है। यहाँ रुकने के कारण यहाँ पर अच्छी फसल होने लगी, तो इससे उनकी क्या हुई, फसल की इंक्रीजिंग हुई, यानी कि बढ़ने लगी उनकी फसल, है ना, फर्टिलिटी बढ़ा ली उन्होंने। अब बारिश होती है तो बारिश भी यहाँ पे आके रुकती, पानी भी हो जाता है, और यहाँ से जो भी वनस्पति या कुछ भी है यहाँ पे उपजाऊ चीज़ें वो सीधे इन सीढ़ियों में आके रुक जाता है। तो इससे उनको पानी और मिट्टी, फर्टिलिटी वाली मिट्टी उनको मिलती है ना। थर्ड इन्होंने एक और प्लानिंग से वहाँ के लोग खेती करते हैं, वो है स्ट्रिप प्लानिंग। थर्ड क्या मेथड इसकी, स्ट्रिप प्लानिंग, स्ट्रिप मेथड से, ठीक है। इस मेथड में उन लोग क्या करते हैं, इसको इस तरह से खेती किया, मतलब इस तरह से इसकी बाउंड्री बनानी है ना, इस तरह से, ये स्ट्रिप प्लानिंग कहलाती है। अब यहाँ पे देखिए, जब ये मेन हमारी प्रॉब्लम क्या थी, मिट्टी कटना का कारण क्या था, हवा और पानी, है ना, जब पानी आता है तो बह जाती है मिट्टी, हवा आता तो उड़ जाता है। तो इन्होंने इस प्लानिंग के थ्रू क्या किया, यहाँ पे जो ये एरिया इस तरह से, ये सारी जगह ये इस तरह से, है ना, जो जितनी मैंने स्ट्रिक लाइन खींची है उन एरिया पे या तो पत्थर रखते थे, है ना, या तो पेड़ या घास इस तरह से कुछ उगाते थे, सभी जगह पर यही हाल है ना। इससे क्या होता था, जब बारिश होती थी तब भी ये इतने में रह जाता था, है ना, जितने में ये पत्थर रखा हुआ या घास वगैरह उगा दिया जाता था, और यह हवा बहती थी तो इसके जो मिट्टी इसके बाहर नहीं जाता, उसके अंदर रह जाती थी। और खेती कहाँ होती थी, खेती यहाँ होती थी, ये सब खेती करने की, ये इसको जिसको गांव में आप मेड़ कहते हैं ना, मेड़ टाइप का, तो यहाँ मेड़ कैसा होता गांव में, मिट्टी का होता है, लेकिन वहाँ जो पहाड़ के लोग हैं वो चारों तरफ पत्थर रखते हैं और या तो घास रखते हैं ना, घास उगाने लगते हैं उस जगह पे, ताकि वो मजबूत पकड़ अपनी बनाए रहें। तो इससे क्या है, पानी भी रुकता है और हवा जब आती है तो उसका असर किस पे होता है, पत्थर पे होता है या जो घास उगे उस पे डायरेक्ट, मतलब फसल पे नहीं होता इसका इफेक्ट, ये या ज़मीन जो है नीचे इस पे डायरेक्ट हवा या पानी का असर नहीं होता, वहीं पर उतने जगह में रोक लिया जाता है। तो ये भी इसकी फर्टिलिटी बढ़ाती है, यानी कि इसमें जो मिट्टी है बाहर बारिश और सब वहाँ पर इकट्ठा होता है, इन जगहों पर ये रुकता जाता है ना, ऐसे जगह है जो भी है। नेक्स्ट एक और मेथड है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट में अब इस और हमारे जो सॉयल कंजर्वेशन उसके ये फोर्थ मेथड है, इसमें लोगों ने क्या किया, इस तरह के सॉयल बेल्ट में इस तरह, मतलब यहाँ चारों तरफ पेड़ से घेर देना, है ना,
पेड़ उगा देना इस चारों तरफ पूरे, है ना, कहीं भी हो ये सब पेड़, सब जगह ये पूरे चारों तरफ से पेड़ से घेर देना, यानी कि पेड़ चारों तरफ उगा देना, है ना। तो चारों तरफ जब पेड़ उगा देते हैं तो बारिश, जब भी तेज़ तूफान कुछ भी आएगा तो सबसे पहले कहाँ असर होगा, इन पेड़ों पे होगा, डायरेक्ट असर उस मिट्टी पे नहीं होगी, उसके अंदर जहाँ खेती करनी है ना। तो जब और बारिश हुई तो बारिश एक तो हवा मतलब डायरेक्ट कहाँ लग रहा है, पेड़ पे, हमारी मिट्टी या वहाँ की फसलों पर नहीं जाएगी। दूसरी जो बारिश होगी वो क्या होगा कि बारिश यहाँ होगी लेकिन इसकी जो बारिश है ये पानी जो है इसका जो बहा के ले जाती है मिट्टी वो बाहर नहीं जाएगी। कैसे, ये मिट्टी जो पेड़ होते हैं वो क्या करती है, उनके रूट्स जो होते हैं नीचे पकड़ के रखती है मिट्टी को, और वो ये पेड़ के कारण हमारी जो मिट्टी का कटाव है वो नहीं होता है ना। तो इसलिए यहाँ से ये आगे मिट्टी बह के नहीं जाएगी बल्कि यहीं पर जमा हो जाएंगी, है ना। इस तरह से इनकी जो फर्टिलिटी है वो नहीं ख़राब होगी, बढ़ती जाएगी बल्कि, है ना, इससे इनकी खेती इंक्रीज होगी। तो ये क्या थे, इनके कंजर्वेशन थे। और कंजर्वेशन के और भी मतलब, जैसे कि हमने तो जितना आपको जब भी मतलब बताया उसको कोशिश किया करो कि उसको बड़ा से भी बड़ा लिख सको, है ना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग मेंटेन करने होंगे, जितने मार्क्स उतने मार्क्स के आपको लिखने होंगे। अगर आप इसको और अच्छे से बड़ा कर सकते हो, डिटेल ज़्यादा से ज़्यादा बता सकते हो तो ज़्यादा से बताने की कोशिश किया करिए, क्योंकि वहाँ पे मार्क्स हो सकता है ज़्यादा हो या कम हो, इस तरह से आप थोड़ा ध्यान रखिए, है ना। तो हम जो समझाए उस टॉपिक को आप बस ध्यान दीजिए और बुक से और भी ज़्यादा पॉइंट ले सकते हैं तो लीजिए। जैसे इसमें इसके अलावा और भी बताया गया है कि टू प्रिवेंट बाय मेकिंग फील्ड ट्रीज, मतलब कि यहाँ पे कि हम अगर पहाड़ी एरिया है ना उसको काट के ऊपर समतल बना के मतलब किस तरह से इसको खेती की योग्य बना सकते हैं, कि अगर हम समतल कर देते, प्लेन कर देते उस पहाड़ को ऊपर ही, जहाँ जहाँ आपकी समस्या को आप लगता है कि वो समाधान कर सकते हो, तो वो बारिश का रुकाव, बारिश का जो भी मतलब कि मिट्टी वगैरह उड़ती बारिश से हट जाती है, तो वो नहीं हटेगी अगर उसको हम समतल प्लेन कर देते हैं ना, उसको कोई ऐसा जगह ही ना दें कि नीचे पानी जाए या वहाँ पे कुछ ऐसा घेराबंदी कर दें, है ना, इसके थ्रू। और हम पानी जो हमारा बहता हुआ रहता है उसको भी कलेक्ट करके, यानी कि कुछ एरिया ऐसे बना लेना चाहिए हमको, जैसे अभी आपको बताया ऐसे कुछ उसके लिए बाउंड्री टाइप की कुछ इस तरह से बना के उसको कलेक्ट करके हम लोग डेवलप कर सकते हैं। लैंड जो गांव के लोग बहुत ज़्यादा घास, मैंने बताया था प्रॉब्लम है कि घास ज़्यादा खाती हैं गैया गाय भैंस और चर लेती हैं, इसके कारण भी समस्या हो जाती है क्योंकि घास उखड़ जाते हैं, तो इसको कम करना चाहिए, यानी घास भी कम चरने दें, वहाँ पे घास ज़्यादा उगाने की कोशिश करना चाहिए। ये सारी समस्याएं मतलब कि आप कर सकते हो इस तरह बड़ा कर क्वेश्चन, है ना, कि सब पे कंट्रोल करके। तो ये थे आपके दोनों टॉपिक, है ना, आगे नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक, थैंक यू।